हेलो गाइस, वेल्थ एक्सप्रेस में आपका हार्दिक स्वागत है। गाइस, आज मैं आपके लिए 3 डाको स्टॉक लेके आया हूँ, जो आप अपने पोर्टफोलियो में 3 से 12 महीने इसको रख सकते हो और ये अपने वीकली चार्ट के ऊपर एनालिसिस करेंगे। और एनालिसिस के साथ साथ आपको लॉजिक के साथ समझाऊंगा कि ये स्टॉक अपने को बाय कब करना है और इसका स्टॉप लॉस लेवल कौन सा होगा और टारगेट कौन सा रहेगा। इसमें रिस्क रहेगा वो करीब 10 से 15% के बीच में रहेगा, लेकिन जब रिवॉर्ड आएगा वो सबके लिए अलग अलग होगा। अगर 3 से 12 महीने आप इसको होल्ड करके रखते हो और अपने फेवर में स्टॉक जाता है तो इसमें 1x का रिटर्न आ सकता है। उससे ज्यादा अगर आप होल्ड करते हो अपने पोर्टफोलियो में इस स्टॉक को तो उससे भी ज्यादा रिटर्न आ सकता है, लेकिन उसके लिए आपको ट्रेल स्टॉप लॉस करके उसको होल्ड करना पड़ेगा। तो उससे पहले गाइस, जो लोग मेरे साथ नए जुड़े तो उनको बता दूं कि आप ये चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। इससे आपको ये बेनिफिट होगा कि आपको हर तरह की स्ट्रेटजी के ट्रेड मिलते रहेंगे। जैसे मैं इंट्राडे ट्रेड देता हूँ, इंट्राडे यानी कि इंट्राडे में आप बाय कर सकते हो, लेकिन उसको ट्रेंड फॉलोइंग स्ट्रेटजी के हिसाब से। जैसे कि ये हैकेनसी का वीडियो आप देखोगे तो उसपे मैंने बहुत अच्छे से स्ट्रेटजी शेयर की है कि हैकेनसी कैंडल कैसे यूज करनी है और कौन से इंडिकेटर के साथ यूज करनी है। इसको आप अगर देखोगे वीडियो ध्यान से, इसमें मैंने बहुत सारे एग्जांपल के साथ बताया। तो इसमें आपको जब रिस्क आता है तो 2-3% का रिस्क आता है, लेकिन आपके फेवर में अगर स्टॉक जाता है तो आराम से उसमें 10-20% की रैली भी आ सकती है। इसलिए बहुत अच्छे से रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से आपको ट्रेडिंग करोगे तो आराम से मार्केट से पैसा कमा सकते हो। कम से कम 1:3 का तो रिस्क रिवॉर्ड होना ही चाहिए, तभी आपको मार्केट से पैसा दिखेगा कि आप कमा पा रहे हैं। 1:1 या 1:2 से कुछ नहीं होने वाला। तो ये स्ट्रेटजी आप देख सकते हो बहुत अच्छे से काम करती है। उसके रिगार्डिंग मैंने स्टॉक भी देता हूँ हर शाम को, तो इंट्राडे स्टॉक भी मतलब आपको मिलते रहेंगे, आपके पोजिशनल कॉल मिलते रहेंगे। उसके अलावा हर सैटरडे को डाकोस का वीडियो देता हूँ। जैसे आज सैटरडे आप देख सकते हो 22/1/2022 यानी सैटरडे का दिन है, तो सैटरडे को डाकोस का वीडियो देता हूँ। जो 3 से 12 महीने अगर आपके पास पैसे हो और सोच रहे हो कि थोड़ा इन्वेस्टमेंट में डाले पोर्टफोलियो बना के, तो ऐसे स्टॉक मैं रेकमेंड करता हूँ। और आप मेरे पिछले 6 महीने के डाकोस के वीडियो देखोगे तो आपको पता चलेगा बहुत अच्छे से परफॉर्मेंस देते हैं, यानी कि निफ्टी इतना नीचे गिरने के बावजूद भी बहुत सारे अच्छे अच्छे स्टॉक है जो आराम से 30-40% तो एक ही महीने में रिटर्न दे देते हैं। अगर उसको आप, क्योंकि कोई भी स्टॉक में इसीलिए बोलता हूँ 3 से 12 महीने गाइज सॉरी गाइज 3 से 12 महीने इसीलिए बोलता हूँ क्योंकि कोई भी स्टॉक होता है नॉन स्टॉप 1% से 100% नहीं होगा, वो 30-40% जाएगा, फिर 2-3 महीना साइडवेज जाएगा, फिर से वो अपने न्यू मतलब जो हाई है वो ब्रेक करके ऊपर जाएगा और 40 मतलब 50-60% जाएगा। ऐसे टाइम लगता है, 3 से 12 महीने ही लग जाते हैं कभी कभी। तो आप ये भी स्टॉक देख सकते हो। और मैं हर संडे को ब्रेकआउट स्टॉक देता हूँ, यानी आने वाले वीक में अच्छा परफॉर्म दे सकते हैं अगर वो लेवल ब्रेक करते हैं, तो वो भी स्टॉक आपको देता रहता हूँ। तो आप हर तरह के ट्रेड आपको मिलते रहेंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। तो अभी टाइम वेस्ट ना करते हुए अपने 3 स्टॉक बता देता हूँ जो आप अपने पोर्टफोलियो में रख सकते हो। उसमें पहला स्टॉक का नाम रहेगा ACE, ध्यान से सुनना गाइस, स्टॉक का नाम है ACE, ACC नहीं है, ACE, यानी कि A फॉर एक्शन कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट, ACE स्टॉक का नाम है। एनालिसिस डेट है 22/1/2022, वीकली चार्ट के ऊपर अपने एनालिसिस करेंगे। तो उसका मेन रीजन गाइज, आपने मेरे पुराने जितने भी डाकोस के वीडियो देखे होंगे उसमें सबसे पहला रीजन यही होता है कि रेसिस्टेंस बिकम सपोर्ट। कोई भी स्टॉक होता है वो पुराना लेवल ब्रेक करके जब ब्रेकआउट देता है उसके बाद वो रिटेस्ट करता है, तो उसको अपने सपोर्ट मानते हैं, यानी कि जो पहले सप्लाई जोन हुआ करता था वो स्टॉक का अभी डिमांड जोन बन गया है और स्टॉक वहां से ऊपर जाने के लिए रेडी है। तो आप ये देख सकते हो कि इसमें कब, यहाँ पे देखोगे तो 2018 और वो भी कब, जनवरी फरवरी में 2018 का ये लेवल हुआ करता था। कौन सा लेवल है यहाँ पे देखो के ध्यान से, तो 203 से लेके 192 का लेवल, ये उसका क्या हुआ करता था स्टॉक का, पहले सप्लाई जोन हुआ करता था। देखोगे तो 2018 में फेब में वो लेवल से नीचे आया, उसके बाद अप्रैल में फिर से वो लेवल से नीचे आया और स्टॉक नीचे आया, यानी कि 2018 से अभी 2022 चल रहा है, वो भी फेब आने वाला है, यानी कि 4 साल हो गए। स्टॉक क्या कर रहा है, ये एरिया को रिस्पेक्ट करके नीचे आया, उसके बाद नीचे आया, उसके साथ साथ उसने यहाँ पे ब्रेकआउट दिया नॉन स्टॉप। देखो मतलब रिटेस्ट ने किया, स्टॉक यहाँ से ऊपर चला गया, ऊपर जाने के बाद वो कहाँ पे आया, उसके पुराने एरिया में आया, कहाँ पे आया, जो उसका ये पहले सप्लाई जोन हुआ करता था वहां पे स्टॉक आया और वहां से रिटेस्ट मार के ऊपर चला गया और न्यू हाई बनाया। अभी उसके बाद फिर से स्टॉक नीचे आया, लेकिन कहाँ पे आया,
उसके पुराने जो लो थे वो ब्रेक नहीं किए, लेकिन उसके आसपास उसने क्या किया, स्टॉक को पता चल गया कि एरिया में बाइंग आ रही है, यानी कि डिमांड आ रहा है, तो स्टॉक यहाँ पे क्या कर रहा है, देखो थोड़ा नीचे आया फिर से ऊपर चला गया, अभी यही लेवल पे ट्रेड कर रहा है। यानी वो हो गया कि उसका जो पहले रेसिस्टेंट हुआ करता था वो अभी सपोर्ट बन गया है, वो भी अच्छे से देखो, ये वीक पे सपोर्ट लिया, ये 2-3 वीक से यहाँ पे सपोर्ट ले रहा है, यानी उसका ये 192 से 203 204 का लेवल है, वो रेंज है, वो उसका डिमांड जोन हो गया, पहला रीजन वो हो गया। अभी दूसरा रीजन क्या है, देखो मैंने क्या किया है, वीकली चार्ट के ऊपर ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके रखी है, देखो यहाँ पे बैक टू बैक 3-4 वीक से सपोर्ट लिया, यहाँ पे थोड़ा सपोर्ट लेके लेकिन ऊपर चला गया, अभी यहाँ पे क्या कर रहा है, सपोर्ट ट्रेंड लाइन का सपोर्ट पे ही ट्रेड कर रहा है, यानी यहाँ से स्टॉक ऊपर जाने के लिए बहुत हाई चांस है कि ऊपर जाएगा, पहला रीजन हो गया। चलो समझो कि स्टॉक यहाँ से ब्रेक करके नीचे भी आता है, ट्रेंड लाइन ब्रेक किया तो स्टॉक को क्या मिलेगा, उसको यहाँ पे उसको ऑलरेडी डिमांड जोन तो है ही स्टॉक का, इनके से ब्रेक किया तो भी स्टॉक यहाँ पे कहीं ना कहीं फंसेगा और स्टॉक ऊपर जाएगा, दूसरा रीजन ये हो गया। अभी तीसरा और मेन रीजन, जो लोग मेरे पुराने वीडियो देखते हैं उनको पता ही होगा, जब भी एडीएक्स 25 के ऊपर होता है और विलियम्स आर की वैल्यू -80 जाके आती है, तो वो स्टॉक का क्या होता है, लास्ट स्विंग होता है। आपने देखो यहाँ पे स्टॉक ने क्या किया यहाँ पे, क्योंकि विलियम्स आर देखो -80 और एडीएक्स देखो 25 के ऊपर है, तो स्टॉक ने क्या किया, लास्ट स्विंग लिया और ऊपर चला गया। सेम यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे देखोगे तो थोड़ा क्रॉस किया लेकिन क्रॉस नहीं कर पाया, एडीएक्स अभी भी 25 के ऊपर है, ग्रीन लाइन ऊपर है और रेड लाइन नीचे है, यानी अपने मान सकते हैं कि अभी भी स्टॉक अप ट्रेंड के लिए रेडी है और अप ट्रेंड में ही है। तो विलियम सर देखोगे तो -80 जस्ट जाके आया, कहाँ पे आया, ये इसका जो एरिया था ये वाला एरिया, वहां पे -80 जाके आया, यानी ये स्टॉक का लास्ट स्विंग हो सकता है और स्टॉक यहाँ से रिवर्स मारने के लिए रेडी है। तो ये अपने को 3 कंफर्मेशन दे रहा है कि रेसिस्टेंट बिकम सपोर्ट, उसको पहले यहाँ पे सपोर्ट मिल गया है, अभी ट्रेंड लाइन का भी मेन सपोर्ट है उसको, और उसके साथ साथ एडीएक्स ने भी विलियम सर -80 जाके आया, यानी 3 कंफर्मेशन है कि ये उसका हैवी डिमांड जोन है, स्टॉक इसके नीचे जाने के लिए बहुत कम चांस है, बहुत कम यानी कि 10% आप गिन सकते हो, क्योंकि कोई भी स्ट्रेटेजी 100% नहीं होती, तो 10% गिन सकते हो, लेकिन 90% अपने फेवर में जाने के लिए स्टॉक रेडी है, तो यहाँ से ऊपर जाने के लिए एकदम रेडी है स्टॉक, तो आप इसको बाय कर सकते हो। तो आपको रीजन बता दिया, रेसिस्टेंस बिकम सपोर्ट, 4 साल का ब्रेकआउट था वो भी रिटेस्ट किया हुआ है, ट्रेंड लाइन का भी सपोर्ट है, बाय ऑन डिप विथ एडीएक्स, बाय ऑन डिप यानी कि ये जब भी -80 होता है तो वो डिप होता है, यहाँ पे देखो -80 था लेकिन अपने इसको इग्नोर करेंगे क्योंकि एडीएक्स देखो 25 के ऊपर नहीं है, तो भी आप मोटा मोटे देखोगे कि जब भी वो होता है तो स्टॉक वहां से रिवर्स करता है, देखो -80 आया था तो स्टॉक ने यहाँ से रिवर्स किया, लेकिन वो डाउन ट्रेंड में था इसीलिए अपने इसको इग्नोर करेंगे, लेकिन ये अप ट्रेंड में स्टॉक है इसीलिए अपने इसको गिनेंगे कि ये स्टॉक का लास्ट स्विंग हो सकता है, स्टॉक यहाँ से रिवर्स मार सकता है, इसीलिए आपको स्टॉक को बाय करना है, इसी बहुत अच्छा स्टॉक है। और अभी गाइज ये जो मैं बता रहा हूँ वो टेक्निकल एनालिसिस के हिसाब से बता रहा हूँ, इसका फंडामेंटल मैंने कुछ चेक नहीं किया और अपने जो चलेंगे वो लेवल के हिसाब से चलेंगे, अगर लेवल रिस्पेक्ट देगा तभी अपने इसको होल्ड करेंगे, अगर ये लेवल ब्रेक करके नीचे क्लोज दिया तो अपने एग्जिट करेंगे और लॉस कितना भी आए वो लेके निकलने में भलाई है, क्योंकि फंडामेंटली मैं आपको नहीं बता रहा है, टेक्निकल एनालिसिस के हिसाब से बता रहा। तो बायर सीएमपी सीएमपी पे आपको बाय करना है, 223 चल रहा है और टारगेट देखो 450 का दिया है, वो भी 3 से 12 महीने के लिए दिया है, अगर स्टॉक अपने फेवर में जाता है और स्टॉप लॉस आप ट्रेल करते जाते हो, समझो कि यहाँ से स्टॉक ने लास्ट स्विंग बना के यहाँ से ऊपर चला गया, तो आपका ये लास्ट स्विंग अभी कितना हो जाएगा, 192 की जगह 200 का हो जाएगा, फिर स्टॉक ऊपर जाके फिर से यहाँ पे स्विंग मारता है तो आपका ये ट्रेल स्टॉप लॉस ही वाला हो जाएगा, तो ऐसे आपको ट्रेल करके जाना है और 450 का टारगेट है तब आप एग्जिट भी कर सकते हो, और अगर आपको पैसों की जरूरत नहीं है तो आप उसको होल्ड करके रख सकते हो, क्योंकि मोमेंटम स्टॉक जो आपको अच्छा स्टॉक दे रहा है रिटर्न उसको आप कट मत करो, जो आपके पोर्टफोलियो में लॉस दे रहा है उसको कट करोगे तो आराम से और भी पैसे आ सकते हैं, 1x की जगह 2x 3x भी आ सकते हैं, उसका सिंपल सा एग्जांपल आपको पता ही होगा, लास्ट वीडियो में भी बोला था, तल्ला प्लेटफॉर्म, तल्ला प्लेटफॉर्म 845 पे मैंने दिया था, 1700 का टारगेट था, वो स्टॉक अभी 2000 जितना चल रहा है, 2000 है 1900 जितना चल रहा है, और वो स्टॉक आने वाले दिनों में भी ट्रेल स्टॉप लॉस करके जाओगे तो 2500 भी आ सकता है, यानी ऐसा जरूरी नहीं कि 1x आए फिर स्टॉक वहां से नीचे आ जाए, वो मल्टीबैग स्टॉक होते हैं, 1x की जगह 10x भी रिटर्न देते हैं 10 साल में, तो आपको उसको पकड़ के रखना है।
तो SL एग्जिटिव वीकली क्लोज बिलो 192 के नीचे वीकली क्लोज दे तो आप एग्जिट करना है, लेकिन वो ही रूल्स रहेगा 192 माइनस 5% करना, जो लेवल आए वहां पे पूरा एग्जिट कर देना, और उसी वीक फिर से 192 आ जाता है तो आप एंट्री कर सकते हो और जो वीक का लो बना है वो फाइनल स्टॉप लॉस हो जाएगा। अगर 192 फिर से नहीं आता और नीचे ही ट्रेड करता है तो भी एग्जिट कर सकते हो, क्योंकि आपको 192 से स्टॉक समझो 150 आ गया एक ही वीक में, तो आपको 150 तक वेट नहीं करना है, स्टॉप लॉस लेवल -5% पे पूरा एग्जिट कर ही देना है। फिर वो वीक में आपको देखना है कि 192 आता है कि नहीं आता, अगर आता है तो एंट्री करना है, अदरवाइज स्टॉक को छोड़ देना है। यानी आपको मैक्सिमम लॉस कितना आएगा 14+5%, यानी 19% से ज्यादा लॉस आ नहीं सकता। और 192 दूसरे वीक आता है तो आप उसको अवॉइड करो, उसी वीक होना चाहिए। कभी कभी आपने देखा होगा कि कोई स्टॉक नीचे गिर जाता है फिर से वो उसी वीक ऊपर चढ़ जाता है, तो ऐसे अच्छे स्टॉक से आपने मिस नहीं हो पाएंगे तो आप इसको बाय कर सकते हो। तो ये पहला स्टॉक हो गया ऐसी। रिस्क कितना है 14% का है, रिवॉर्ड 100% का है, रिस्क रिवॉर्ड भी अच्छा 1:7 का है, और टाइम पीरियड रहेगा 3 से 12 महीने का रहेगा। तो अपना पहला स्टॉक हो गया एसी। अभी मैं आपको दूसरा स्टॉक बताऊंगा। अभी दूसरा स्टॉक का नाम रहेगा मनाली पेट्रोकेमिकल्स। मनाली पेट्रोकेमिकल्स भी वो लो रिस्क वाला स्टॉक है, अगर आपको भी फेवर में जाता है तो बहुत हाई चांस है कि स्टॉक आपको यहाँ से डबल होता है वो दिखेगा। तो इसमें भी सेम रीजन रहेगा, आपको पता ही होगा रेसिस्टेंट बिकम सपोर्ट। स्टॉक ने यहाँ पे क्या किया, रेसिस्टेंट लिया, फाइनली ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट देने के बाद एक वीक यहाँ पे उसका जो पहले सप्लाई था वो डिमांड जोन बना, फिर से यहाँ पे ट्रेड कर रहा है। पहला रीजन हो गया कि ये एरिया में उसका डिमांड जोन बन गया, पहले सप्लाई जोन था। उसके साथ साथ ट्रेंड लाइन देखोगे तो यहाँ पे ड्रॉ की है, ट्रेंड लाइन का यहाँ थोड़ा सपोर्ट मिलके ऊपर चला गया और यहाँ पे ट्रेंड लाइन के सपोर्ट पर ट्रेड कर रहा है तो बहुत हाई चांस है। उसके साथ साथ देखोगे सेम सेटअप है जैसे पुराना वो एसी स्टॉक था, उसमें भी ऐसा ही सेटअप था। विलियम्स का देखो -80 आया हुआ है, ADX भी अच्छे से राइज कर रहा है, तो बहुत हाई चांस है कि समझो कि ट्रेंड लाइन यहाँ से ब्रेक किया गया तो उसको डिमांड जोन का सपोर्ट मिलेगा। अगर वो भी सपोर्ट नहीं है तो उसको यहाँ पे तो सपोर्ट है ही। ये स्टॉक का क्या हो सकता है, ये वाला जो स्विंग है वो लास्ट स्विंग हो सकता है और स्टॉक यहाँ से ऊपर जाने के लिए रेडी है, यानी बहुत हाई चांस है। स्टॉक का नाम है मनाली पेट्रोकेमिकल। 22/1/2022 एनालिसिस डेट है, वीकली चार्ट के ऊपर एनालिसिस है, आपको समझा दिया। रेसिस्टेंट बिकम सपोर्ट, ट्रेंड लाइन का भी उसको सपोर्ट है, बाय एंड डिप्स विद ADX, तो बहुत हाई चांस है कि आप यहाँ से स्टॉक को बाय कर सकते हो। रिस्क देखोगे तो बहुत कम है, बायर CMP पे बाय करना, 113.14 चल रहा है, टारगेट रहेगा 230 का रहेगा, वो भी 3 से 12 महीने के लिए। SL एग्जिट वीकली क्लोज बिलो 104, तो समझो 104 माइनस 5 की या 5%, तो समझो यहाँ पे 99 का लेवल आए तो आपको क्या करना है, समझो यहाँ से नीचे आ जाता है 99 एक ही वीक में अगर आ जाता है तो आप यहाँ पे एग्जिट करोगे 99 पे। उसी वीक देखना है कि फिर से 104 का लेवल आ रहा है कि नहीं आ रहा है, अगर फिर से आ रहा है तो 104 पे फिर से री एंट्री करोगे और जो वीक का लो बना है वो अपना फाइनल स्टॉप लॉस हो जाएगा। उससे क्या होगा कि कोई अच्छा स्टॉक आपसे मिस नहीं हो पाएगा, उसके बाद स्टॉक ऊपर जाता है बहुत सारे बार, ऐसा देखा है आपने। अगर 99 के नीचे समझो 99 के बाद 100 आता है, 102 पे क्लोज दे देता है वीक एंड में, तो आप इसमें से पूरा एग्जिट मानोगे, तो उसको ज्यादा देखने की जरूरत नहीं है दूसरे वीक के लिए। तो SL एग्जिट वीकली क्लोज बिलो 104, 104 के नीचे क्लोज दे तो एग्जिट कर सकते हो। रिस्क बहुत कम है, देखोगे तो 8% का रिस्क है, यानी कि बहुत सारे लोग स्विंग ट्रेड में 8% का रिस्क देते हैं। मैं आपको मल्टी बैगर स्टॉक में 8% का रिस्क देता हूँ, आपको 8% रिस्क के साथ मल्टी बैगर स्टॉक मिल रहा है और रिवॉर्ड रहेगा 100% का रहेगा तो रिस्क रिवॉर्ड है 1:12 का है, सबसे बढ़िया रिस्क रिवॉर्ड है, टाइम पीरियड रहेगा 3 से 12 महीने के लिए रहेगा। तो ये अपना दूसरा स्टॉक हो गया मनाली पेट्रोकेमिकल, उसमें भी ट्रेड करके एक अच्छा मुनाफा ले सकते हैं। अभी तीसरा स्टॉक बताने जा रहा हूँ जो भी वीकली चार्ट के ऊपर एनालिसिस है, इसमें थोड़ा वो रिस्क थोड़ा ज्यादा है लेकिन आप इसमें SIP भी कर सकते हो। जैसे कि अभी मैं आपको बताऊंगा अपोलो हॉस्पिटल स्टॉक बहुत अच्छा है, ट्रेंड लाइन मेन रीजन इसका ट्रेंड लाइन का ये, यह देखो यहाँ पे सपोर्ट लिया है, यहाँ पे भी सपोर्ट लिया है, यहाँ पे भी थोड़ा सा हल्का सा सपोर्ट आके ऊपर चला गया, यहाँ पे भी सपोर्ट लेके स्टॉक अभी ऊपर चला गया, यानी बहुत हाई चांस है कि स्टॉक ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लेके ऊपर जाए, पहला रीजन ये है। दूसरा रीजन वो रहेगा
कि आपको बोला ये जब भी ADX 25 के ऊपर होता है और विलियम सर -80 के नीचे होता है तो वो स्टॉक का क्या होता है, लास्ट स्विंग होता है, स्टॉक यहाँ से ऊपर जाता है। तो देखो विलियम सर -80 यहाँ पे आया होता है तो अपने मान सकते हैं कि स्टॉक का ये लास्ट स्विंग हो सकता है और यहाँ से स्टॉक ऊपर जाने के लिए रेडी है। इसमें मेन रीजन क्या है कि ट्रेंड लाइन का सपोर्ट को आपको बता दिया, बाय एंड डिप विथ ADX भी बताया, लेकिन इसमें रिस्क थोड़ा ज्यादा आ रहा है। लास्ट दो में देखा होगा कि 8% और 13-14% आ रहा है, इसमें 15-16% का रिस्क आ रहा है, लेकिन स्टॉक बहुत अच्छा है, आप अभी भी ले सकते हो। अभी थोड़ा ऐसा हो तो 20% डाल सकते हो, स्टॉक थोड़ा नीचे आता है तो यहाँ पे समझो आया 4400 के लेवल पे तो वहां पे भी पैसे थोड़े डाल सकते हो, उसी हिसाब से आप इसको बाय कर सकते हो। तो अभी कितना चल रहा है, 4691 यानी कि 4700 के करीब चल रहा है स्टॉक, टारगेट रहेगा 9400 का, वो भी एक साल के अंदर रहेगा। SL एग्जिटिव वीकली क्लोज बिलो 3950, तो ये उसका जो लास्ट स्विंग था पहले पुराना लो वो स्टॉप लॉस रहेगा, इसके नीचे वीकली क्लोज देगा तो आप इसमें से एग्जिट कर सकते हैं। तो रिस्क थोड़ा ज्यादा है 15.8 का है, लेकिन स्टॉक अच्छा है, SIP के मोड में भी इसको बाय कर सकते हो। रिवॉर्ड रहेगा वो 100% रहेगा, रिस्क रिवॉर्ड रहेगा 1:6 का रहेगा और टाइम पीरियड रहेगा 3 से 12 महीने का रहेगा। तो ये तीसरा स्टॉक हो गया अपना अपोलो हॉस्पिटल। तो अपना तीन स्टॉक का एनालिसिस किया, पहले स्टॉक का नाम है ACE, दूसरा स्टॉक का नाम है मनाली पेट्रोकेमिकल और तीसरा स्टॉक रहेगा अपोलो हॉस्पिटल। तीनों में ट्रेड करके एक अच्छा मुनाफा ले सकते हो और तीनों को मैंने लॉजिक के साथ समझाया कि स्टॉक को बाय करना है तो क्यों करना है और कहाँ पे बाय करना है और एग्जिट, क्योंकि स्टॉप लॉस गाइस फॉलो करना मेन रीजन स्टॉप लॉस का ही होता है। अगर स्टॉप लॉस फोकस में नहीं रखोगे तो स्टॉक, बहुत सारे ऐसे स्टॉक है निफ्टी चाहे कितना भी पूरे साल में ऊपर चढ़ेगा तो वो स्टॉक नीचे ही गिरते रहते हैं। मैं आपको एक स्टॉक का एग्जाम्पल बताता हूँ, जैसे कि आरती ड्रग्स, देखो ये स्टॉक है, वीकली चार्ट के ऊपर आप देखोगे तो देखो इसमें आपको पता चल रहा है, क्या पता चल रहा है आपको कि स्टॉक ने क्या किया, ये जो उसका लास्ट लो स्विंग हुआ करता था उसको ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद सेम होता है जैसे उसमें उल्टा होता है, इसमें अगर सपोर्ट लेवल ब्रेक करता है तो वो स्टॉक का क्या हो जाता है, रेसिस्टेंट हो जाता है। तो इसने क्या किया, यहाँ पे देखो ब्रेक किया और यहाँ पे गया, लेकिन वो उसका क्या हो गया, क्योंकि स्टॉक जैसे अपने सप्लाई लेवल को ब्रेक करके ऊपर जाता है तो डिमांड बनता है, तो ऐसा ही सेम डिमांड को ब्रेक करके नीचे जाता है तो वो स्टॉक का क्या बन जाता है, सप्लाई जोन बन जाता है। तो देखो निफ्टी कितना अच्छे से परफॉर्मेंस दे रहा है, लेकिन ये स्टॉक नीचे ही जा रहा है, 495 चल रहा है अभी, तो उसने ये लेवल को ब्रेक किया था। ये लेवल कौन सा था आप देखोगे तो ये लेवल करीब उसका 630 का लेवल था, 630 या 620 का लेवल था, वो ब्रेक करने के बाद स्टॉक ऊपर जा ही नहीं रहा, क्योंकि वो वीकली चार्ट के ऊपर आप देखोगे तो वो डाउन ट्रेंड में चल रहा है। अभी आप ये स्टॉक में सोचोगे कि अभी तो इतना गिरा हुआ है तो मैं यहाँ पे बाय कर लेता हूँ, लेकिन आपको इधर बाय करना क्यों है, जब स्टॉक डाउन ट्रेंड में चल रहा है तो आप पैसे स्टॉक में पैसे डाल के मतलब क्या है, उससे अच्छा तो अप ट्रेंड में कोई जा रहा है उसमें पैसे डालोगे तो आपके एक साल में डबल होंगे। इसमें मैं लिख के देता हूँ, जब तक कुछ लेवल होते है ना, जैसे कि अभी ये ट्रेंड लाइन को इसको पहले ऊपर जाने के लिए अप ट्रेंड के लिए ये ब्रेक करना पड़ेगा, ये लेवल के ऊपर क्लोज देना पड़ेगा, उसके साथ साथ वॉल्यूम आएंगे फिर स्टॉक अप ट्रेंड चालू करेगा तब अपने इसमें पैसे डाल सकते हैं, लेकिन अभी जब डाउन ट्रेंड में स्टॉक चल ही रहा है तो ऐसे स्टॉक में पैसे डाल के क्या करोगे। इसीलिए आप ऐसा मत सोचो कि स्टॉक बहुत गिरा हुआ है तो अभी ले लो, ऐसा मत सोचो, कोई अच्छा स्टॉक है परफॉर्मेंस अच्छा दे रहा है उसमें पैसे डालोगे तो ही पैसे आपके पोर्टफोलियो में बढ़ेंगे, नहीं तो अदरवाइज आप पैसे गवा होगी। तो इसीलिए ये तो जस्ट एग्जाम्पल के लिए बताएं। तो गाइज आज के लिए इतना ही था, वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक करके जाना और चैनल को सब्सक्राइब करना प्लीज, और ट्विटर को फॉलो कर सकते हो, ट्विटर को फॉलो करोगे तो आपको बहुत अच्छे अच्छे ट्रेड मिलते रहेंगे चालू मार्केट में, क्योंकि चालू मार्केट में मैं वीडियो बना के नहीं बता सकता कि ये स्टॉक को बाय करना है वो स्टॉक को, तो आप उसके लिए ट्विटर को फॉलो करना ही रहेगा गाइस। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, प्लीज वीडियो को लाइक करके जाना, बाय बाय।